सबसे तेज खबर साउथ ईस्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। साउथ ईस्ट जनपद के थाना से तिकोना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के तहसील के पास दो दिन पूर्व एक भयानक सड़क हादसा सामने आया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपको बता दें, बहराइच के दरगाह से एक टेम्पो लौट रहा था जो बलरामपुर जनपद के उतरौला जा रहा था, तभी यहां पर एक खड़ी हुई ट्राली से टेम्पो की टक्कर हो गई, जिसके बाद टेम्पो पलट गया था और उस पर ट्रक चढ़ते हुए निकल गया था। तभी से यह ट्रैक्टर ट्राली ईंट से भरी हुई सड़क पर ही खड़ी हुई थी, जिसे आज इकौना के पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर सड़क से हटवाते हुए रास्ते को साफ कराया, जिससे अब यहां पर जो दुर्घटना की आशंका बनी थी वो समाप्त हुई और आवागमन में भी जो समस्याएं हो रही थी उससे निजात मिली। इकौना इलाके के तहसील के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर जेसीबी बुलवाकर इकौना के उप निरीक्षक अमित सिंह, कांस्टेबल अनुज यादव और अरविंद यादव ने कड़ी मशक्कत कर घंटों के बाद सड़क पर खड़े हुए खराब ट्राली व ईंट को हटवाते हुए रास्ता साफ कराया, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके, साथ ही आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के तहसील के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर दो दिन पूर्व एक भयानक सड़क हादसा सामने आया था। उसी के बाद से घटना स्थल पर ही एक खराब ट्रैक्टर ट्राली ईंट से लदी खड़ी हुई थी, जिसे आज जेसीबी की मदद से घंटों में हटवाया गया। इस दौरान बहुत परिपथ पर जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि पुलिसकर्मियों ने बीच बीच में मौका देखकर वाहनों को जाने की अनुमति दी और यहां पर सड़क पर पड़े हुए मलबे को हटवाते हुए ट्राली को भी हटवा दिया, जिससे आवागमन सुचारू हो सके और दुर्घटना से दूर बचा जा सके। घटना स्थल पर किस प्रकार से कड़ी मशक्कत की गई, उसकी पल पल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये सब साफ करा दो सर। आ जाओ कसम फटुआ माँ, पता नहीं कहाँ दुकान रहा तो कुछ नहीं जान दें तो बल पर न हो तो हमको हम ही चले चली।
बताया